यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टेट बैंक सुरगानी और लचौरी जो कि हर दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही एटीएम मशीन भी बंद रहती है, जिसमें यहां स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाके में पहले से ही बैंकों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि 20 या 30 किलोमीटर दूरी पर बैंक होते हैं। जब दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक के साथ एटीएम भी बंद होते हैं तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई घर का सदस्य बीमार हो जाए तो लोगों को चंबा जाना पड़ता है, और अगर कोई शख्स चंबा का रुख करता है तो उसका 500 रुपए तक का खर्च हो आ जाता है। फिलहाल लोगों की मांग है कि इलाके में लगाए गए सभी एटीएम हर रोज अपनी सेवाएं दें। तो आपको बता दें, चंबा के लोगों की मुश्किलें, यहां पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें एटीएम को लेकर बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां पर एटीएम जिन दिन बंद रहता है तो लोगों को काफी किलोमीटर का रास्ता तय करके और काफी रुपए खर्च करके चंबा क्षेत्र में जाना पड़ता है, जहां से उन्हें पैसे निकालने पड़ते हैं। ऐसे में आपको बता दें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो क्षेत्रों में बैंक बहुत दूरी पर होते हैं और एटीएम होते हैं, अगर वो समय पर खुले ना मिले या फिर बंद मिलते हैं तो ऐसे लोगों की परेशानियां दुगनी बढ़ जाती है, और दूसरे चौथे शनिवार को एटीएम यहां पर बंद ही मिलते हैं, जिस कारण जो गांववासी है, जो ग्रामीण है, वो मांग कर रहे हैं कि एटीएम कम से कम खुले रखे जाने चाहिए, क्योंकि बैंक वैसे ही काफी दूरी पर स्थित होते हैं और ऐसे में अगर एटीएम बंद हो जाते हैं तो उनकी समस्या बढ़ जाती है, उन्हें कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है।